एक बार फिर आतंक मचाने को बेचैन है। प्रशासन द्वारा मिली छूट और सख्ती में शिथिलता का लोगों ने जमकर फायदा उठाया। यही वजह है कि अब संक्रमण बढ़ने लगा है। यदि अगले सप्ताह तक इसी तरह मरीज बढ़ते रहे तो फिर प्रशासन को एक बार फिर सख्त कदम उठाने की नौबत आ सकती है। इस बीच 24 घंटे के भीतर 700 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले महीने से अनलॉक की स्थिति में सब कुछ खुल गया था। लोगों ने इस छूट का जमकर लाभ भी उठाया। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोगों ने कोरोना काल के नियमों को गंभीरता से नहीं लिया। उसी का नतीजा अब सबके सामने है। बुधवार को जिले में 4,500 से अधिक लोगों की जांच की गई। इसमें 754 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि गुरुवार को 644 लोग पॉजिटिव पाए गए। यानी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों की माने तो इस महीने भर में संक्रमितों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। जिले में टीकाकरण का पहला फेज जारी है। 37,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्करों को पहला डोज दिया जा चुका है। टीकाकरण के दूसरे डोज की शुरुआत भी हो गई है। जिले में 35 केंद्रों पर 3,500 में से 2,013 लोगों से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका दिया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में से 72% सक्रिय केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल से सामने आए हैं। इसलिए इन दो राज्यों में कोरोना के खतरों से निपटना एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है।